मतभेद और मनभेद दोनों उभर के सामने आ गए, डिस्प्यूट सामने आ गया। बिल्कुल, कांग्रेस बोल रही है ये गैर राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा है, विपक्ष बोल रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की व्यक्तिगत यात्रा है। तो मतभेद और मनभेद विपक्ष का दोनों आ गया, ना मन मिल रहे हैं ना मत मिल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके मत मिल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है तो आप शामिल होइए, और अगर मन मिल रहा है तो भी शामिल होइए। कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने बोल दिया ये व्यक्ति जाता है, मतलब विपक्ष की कोई भी पार्टी कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं आने वाली है। और उसके बाद आप हमसे कहेंगे कि नहीं आप दावत खाने तो आपको आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप मत आइए ना, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, मर्जी आप इसी चीज को मान लीजिए कि ना आपका मत मिल रहा है ना मन मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ना आपका मत मिल रहा है ना मन मिल रहा है, हमें यात्रा से आप जाइए या मत जाइए, भाई हम एक सिमिलर लाइन पे राजनीति कर रहे हैं शायद, पर हमारी विचारधारा तो एक नहीं है ना। बस यही चीज तो मैं बात हो रही है, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी राजकुमार भाटी साहब यही कह रहे थे ना कि हमारे मुद्दे भी यही है, हम इसी पर अपनी बात उठा रहे, किसानों की बात हम उठा रहे। हमारे मुद्दे सिमिलर हो सकते हैं पर हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा अलग अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, ये राजनीतिक दल है, अगर विचारधारा अलग है तो मुद्दे भी अलग होंगे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए, अगर विचारधारा अलग है तो मुद्दे भी अलग होंगे, क्रियान्वयन करने का तरीका भी अलग होगा। नहीं कह रहे आप गलत कह रहे हो, विचारधारा जो होती है वो बैकबोन होती है सर किसी पार्टी की, मजबूत करने की बात। अगर आपकी विचारधारा अलग है तो मुद्दे सेम कैसे हो सकते हैं, जोड़ने की बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, हम